छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाविर हुसैन। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है। जून 1987 में पक्षी विशेषक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद जाविर हुसैन के द्वारा डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। इस संस्मरण में उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। तो चलिए छात्रों, देखते हैं इस पाठ के सार को। सालिम अली अपने अंतिम सफर में अपने कंधे पर अंतहीन सफर का बोझ उठाए शांत भाव से चले जा रहे हैं। उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी है, क्योंकि वे कभी इस यात्रा से नहीं लौटेंगे। पक्षियों के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने एक बार लेखक को बताया था कि लोग पक्षियों को भी अपनी नज़र से देखते हैं, जबकि यह उनकी भूल है। हमें प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से ही देखना चाहिए। कानों में पक्षियों की मधुर आवाज़ पड़ते ही हृदय में मधुर संगीत का रोमांच अनुभव होता है। वास्तव में सालिम अली ऐसे ही रोमांच अनुभव करते थे। लेखक श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करता है कि जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रास रचाई थी, गोपियों का मन मोह लिया था, कब माखन चुराकर अपनी वंशी की धुन से सबको बांध लिया था, कब संपूर्ण वृंदावन वंशी की धुन से संगीतमय हो गया था। आज भी वृंदावन में यमुना नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। आज भी शाम होने पर लगता है कि बांसुरी की तान सबको मोह लेगी। लेखक कहता है कि सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 वर्ष से कुछ ही कम थी। लंबी यात्राओं ने या फिर कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था, परंतु उनकी आंखों की रोशनी अंत तक ठीक थी। वे आंखों पर दूरबीन लगाए रहते थे। उनके जैसा बर्ड वॉचर दूसरा नहीं हुआ। उनके लिए प्रकृति रहस्यमयी दूर तक फैली हुई दुनिया थी। उन्होंने बड़े प्रयास से अपने लिए यह दुनिया बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी का बड़ा सहयोग था। सालिम अली पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से किया था। वे हिमालय और लद्दाख के बर्फीले मौसम में रहने वाले पक्षियों की वकालत करते रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो रखा था। उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया था कि लॉरेंस की पत्नी ने उनकी आत्मकथा लिखने से इनकार करते हुए कहा था कि मुझसे अधिक लॉरेंस को छत पर बैठी गुरैया जानती है। सालिम अली ने अपने पक्षी प्रेम के रहस्य को बताते हुए कहा था कि बचपन में एयरगन से नीलकंठ गुरैया की मृत्यु इसका कारण है। वही गौरैया उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनको जानने और समझने वाला यही सोचेगा कि सालिम अली अपनी दूरबीन लटकाए कुछ नई खोज करते आते ही होंगे, किंतु अंतिम यात्रा पर गया व्यक्ति कभी नहीं लौटता। तो छात्रों, इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित व्याख्या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।